बलियां चर्चित असलाह कारोबारी नंदलाल गुप्ता आत्महत्या मामले के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सुदखोरों का ऑर्गेनाइज धंधा भाजपा द्वारा चलाया गया कारोबार है। भाजपा का बुलडोजर इन सुदखोरों को वही सजा दे जो उत्तर प्रदेश में बाकियों को दे रहा है। जिले में तीन स्थानों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गए। रफणा के मुड़ेरा में पूर्व विधायक रमक बाल सिंह के घर मुलाकात के बाद वे यहां टीडी कॉलेज के मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरे और सीधे लाइव आत्महत्या करने वाले असलाह कारोबारी नंदलाल गुप्ता के परिजनों से मिलने पहुंचे। वहां से अपनी पार्टी के युवा संगठन में पदाधिकारी रहे छात्र नेता स्वर्गीय मनीष दुबे मनन के घर भी गए। वापस टीडी कॉलेज के मैदान में आकर अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता की माँ व पत्नी से मिला। जिस प्रकार से उन्होंने आत्महत्या की है, जिस प्रकार से पैसों का कारोबार चल रहा है, यह पूरी तरह से सुदखोरी है। याद कीजिए कि भाजपा और भाजपा के लोगों ने नोटबंदी की थी। सवाल किया कि नोटबंदी के बाद बैंकों में जब पैसा भरा पड़ा है तो आखिरकार किसी कारोबारी को इस तरह से सुदखोरों से पैसा कैसे लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सुदखोरों का हिसाब किताब बहुत अलग है। पता नहीं कितना पैसा वसूलते हैं। समय समय पर प्रताड़ना देंगे, घर में घुस आएंगे। वहाँ मुझे एक ऐसा व्यापारी मिला जिसकी पिटाई भी की गई है, उसके कान में चोट है। यह सुदखोरों द्वारा ऑर्गेनाइज और भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया कारोबार है। बोले, लोगों से बात करने पर जानकारी मिली कि भाजपा के लोगों को इससे मुनाफा मिलता है। पीड़ित परिवार की मांग है कि पत्नी को सरकारी नौकरी व 50 लाख की मदद सरकार करे। जिनकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हुई है उन्हें कैंसिल किया जाए। श्री यादव ने मांग किया कि भाजपा का बुलडोजर इन्हें वही सजा दे जो और लोगों को सजा दे रहा है। भाजपा यदि यह दावा करती है कि बुलडोजर न्याय दिलवाता है तो आखिरकार नंदलाल गुप्ता की पत्नी को कब न्याय दिलाएगा। लेकिन भाजपा का बुलडोजर वहीं जाएगा जहां उसे वोट का लाभ होगा, वह न्याय के लिए नहीं जाएगा। तो बलियम अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह सुदखोरी का व्यापार यदि इन्वेस्टर मीट में चला जाएगा तो बलिया में कोई उद्योगपति उद्योग नहीं लगाएगा। बलिया तक इन्वेस्टमेंट लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिना बीजेपी और सुदखोरों की साठ गांठ के यह कारोबार नहीं चल सकता। कहा कि पुलिस कस्टडी में सबसे ज़्यादा मौतें यूपी में हुई है। कानपुर में एक व्यक्ति को मार मार कर जान ले ली। उसकी पत्नी भी सरकारी नौकरी नहीं दी। पत्नी को भी कहा कि सदन में नंदलाल गुप्ता समेत पुलिस कस्टडी में हो रही मौतों का मैं मुद्दा उठाऊंगा। बहाने के लिए लिया होगा पैसा, ये जिम्मेदारी सरकार की है। जब सरकार अपने बैंकों से पैसा नहीं दे पाती है, आसानी से पैसा नहीं दे पाती है, तब ये सूदखोरों के पास जाते हैं जो लोकल स्तर पर दबंग लोग होते हैं जी। और बीजेपी की सरकार में माफियाओं का, सूदखोरों का बोलबाला है। तो क्या यूपी में सूदखोरों का आतंक है सर? देखिए, अगर ये घटना बलिया में हुई है जी, और जगह भी जब इस बात को लाया गया था सामने जी कि जब किसानों का कर्ज माफ हो रहा है जी, तो सूदखोरों का कर्ज माफ कौन करेगा? ये सवाल उस समय भी उठा था। सरकार को ध्यान देना चाहिए था। सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार इस तरह के कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती जहां पर इस तरह का अन्याय हो। बुलडोजर की भी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर तो सरकार हर एक चला रही है। जिनका दोस्त नहीं उन पे भी बुलडोजर चल रहा है, और अगर बुलडोजर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी से उसके लोग मिले होंगे, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलता है। आपको मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। सरकार ने अन्याय करके बुलडोजर चलाया है जी। जहाँ पर कानूनी चीज थे उस पर बुलडोजर चलाया जी। और यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसलिए नहीं चल रहा है, बीजेपी के लोग होंगे, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का ही बुलडोजर है। वो सरकार का न्याय दिलाने का बुलडोजर नहीं है, वो बीजेपी का बुलडोजर है। अगर बीजेपी का बुलडोजर है तो बीजेपी अपने लोगों पर कैसे बुलडोजर चलाएगी? अखिलेश जी, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि आप पूर्वांचल को संदेश देने जा रहे हैं कि गुंडे और माफिया जो पूर्वांचल के हैं वो एक हो जाए। ये बताओ, कौन से डिप्टी सीएम ने बोला? फिर केशव प्रसाद मौर्य ने। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में आप लोग समझदार हो, बलिया के पत्रकार साथी हो, आप तो खुद लड़ाई लड़े थे अपनी खुद की। इसमें हो सकता है कुछ लोग हों जेल होके आए थे। जब पानी बलिया में भर गया, आजमगढ़ में जेल में थे, मैं खुद आना चाहता था मिलने, लेकिन आप लोग रिहा पहले हो गए तो नहीं मिल पाया मैं। खैर,
जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे करते हैं हमारे योगी मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते जी। जो उन्होंने पहनावा दिया, पहनावा है जो उनके ऊपर, क्या है कि योगी की सरकार में सूदखोर किसी की जान ले लेगा? आप खुद कल्पना करिए, ये जो योगी सरकार है, खुद वो मठ के सबसे बड़े पद में बैठे हुए हैं, उनकी सरकार में सूदखोर जान ले रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? और जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे किया जाता है, लड़ाई बड़ी है, 5,000 साल पुरानी है, कुल्हाड़ी में तभी पेड़ कटेगा ना जब उसमें लकड़ी पेड़ की लगी होगी। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने किसी को न्याय नहीं दिलाना है। डिप्टी सीएम यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे याद है बलवंत सिंह कस्टोडियल डेथ हुई, उसकी की हत्या होगी, आप उम्मीद करते हो कि व्यापारी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? थैंक यू सर।